हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं शिखर और आज मैं आपके सामने लाया हूं सोशल साइंस का चैलेंज वाली वीडियो। इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 में से आपको सही करना है मात्र 15 क्वेश्चन। उसी तरह वीडियो जिससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपकी तैयारी क्या है, आप अपने तैयारी को किस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, उसको बारीकी से गौर से देखना और आपको सही करना है 15 सवाल। 15 से नीचे नहीं करना है, 15 से ऊपर सही कीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत मस्त है, नहीं तो फिर आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी अगर 15 से नीचे आई तो। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो, न्यू हो, नए नए मेंबर्स हो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और हर तरीके से जानकारी जो वीवीआई क्वेश्चन होता है, मॉडल पेपर होता है, वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आप भी तुरंत आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितने भी बंदे देख रहे हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपको बनता है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपको क्वेश्चन का मतलब आंसर बताने का वक्त बहुत कम दूंगा, इसी के बीच आपको आंसर बताना है। ठीक है, ऑप्शन कहते हैं तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये सबसे फर्स्ट नंबर सवाल है। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको पूरी पूरी की पूरी चैलेंज आपको कंप्लीट करना है और आपको बाजीगर बनना है यहाँ पे। ठीक है, आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से गौर से देखना, बारीकी से क्वेश्चन मैं अच्छे से बताऊंगा। क्वेश्चन सेकंड कहते हैं टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान ये कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए मैसूर, शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाक्स कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे। ठीक है, जितने भी बंदे वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं मतलब 20 में से 15 सही करो या 20 में से 20 सही करो, तो वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मेरा 20 में से इतना सही हुआ। जितना भी सही हुआ वो कमेंट में बताना, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। ओके, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। कंप्लीट है, क्लियर है, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, कहता है 3 नंबर सवाल, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था, यानी कि इसके अगेंस्ट में कौन सा देश था, इटली और जर्मनी के विरुद्ध में कौन सा देश था। ऑप्शन देखिए इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसव। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध में इसके अगेंस्ट में जो ऑस्ट्रिया था, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन फोर बहुत इजी सवाल है और ये आपका आपदा प्रबंधन से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या है। तो ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी आपके लिए लाया हूँ। अगर आप लोगों में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो 20 में से 20 सही करेंगे, ठीक है, तो जो 20 में से 20 सही करेंगे वो बंदे जरूर से कमेंट कीजिएगा वीडियो को, और आप झूठ मत लिखिएगा कि सर मेरा मतलब आपका गलत भी जाएगा, तो मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मेरा 20 में से 18 सही हुआ। तो मतलब ऐसे नहीं करना है, ठीक है, फालतू में झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो आपका सही हुआ वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अगर आप झूठ बोलिएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई को ही झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, तो बारीकी से सच बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 5, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो छिपी बेरोजगारी जो पाई जाती है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। ऑप्शन ए लोकसभा में, विधानसभा में, या पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल, या राज्यसभा में। तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है ये है हमारा पंचायती राज व्यवस्था में, किसके लिए, तो महिलाओं के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ, तो भारत में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। उम्मीद है कि हम लोगों ने अभी तक 6 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और आपका भी पूरे का पूरा क्वेश्चन मतलब सही गया होगा। और इसके बाद हमारा 7 नंबर सवाल कहता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ओके, इनका
मतलब ये बिहार से अलग कब हुआ था, इसका विभाजन कब हुआ था, इसका बंटवारा कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो 1905 यानी कि 1905 में हुआ था। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन बहुत एमसीक्यू बन गया ये क्वेश्चन, यानी कि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आप गाइड भी उलट कर देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या मतलब जानते हो क्या होता है, मान लो कि आदमी मतलब मनुष्य जहां पर ज्यादा रहता है उसको जनसंख्या बोलते हैं, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में, महानगर में? तो ग्राम, कस्बा, नगर और उससे भी बड़ा होता है महानगर, यानी कि महानगर में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व होता है। इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ओके, समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल महानगर मतलब ये ग्राम, कस्बा, नगर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं गांव, उसके बाद शहर आता है, शहर से बड़ा होता है देश, ऐसा होता है ना, मोहल्ला से बड़ा गांव, गांव से बड़ा शहर, शहर से बड़ा राज्य जिला है, उससे बड़ा हमारा हो गया देश, इसी तरह से महानगर। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे? ऑप्शन देखिए, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर होनी चाहिए आपका। मैं वक्त बहुत कम दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारा क्वेश्चन पूरे अच्छी तरीके से याद होगा, तो आप भी थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि हमें सही करना है 20 में से 20, उससे कम नहीं करना है आपको। ओके, हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी थे हमारा पुर्तगाल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, सॉरी सॉरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? ये बात को किसने कहा कि ईश्वर महानतम, ईश्वर मुद्रा जो है ईश्वर, ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है और ये सबसे बड़ा तोहफा है? तो ऑप्शन देखो, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो यहाँ पर इन जो ये जो लाइन कहा गया है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर ने कहा था। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है, ओके ओके, बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कहता है क्वेश्चन 11 कहता है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? सिंपली बोलू तो जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1992, 1999 और उसके बाद है 2000, 2004। ओके, यानी मतलब आपको बताना है सिर्फ डेट में, फुल डेट नहीं बताना आपको, ठीक है। तो देखो, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था 1999 यानी कि 1999 ईस्वी को हुआ था। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोगों ने 11वां क्वेश्चन क्लियर कर चुका है और मात्र 9 क्वेश्चन और बाकी है, और मुझे उम्मीद होगा कि आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन सही किए होंगे अब तक, ठीक है। जितना गलत हुआ है वो नीचे कमेंट में बताना कि सर मेरा 20 में से 18 सही हुआ है, 20 में से 14 सही हुआ है, अब 15 से क्यों ना नीचे कर लो सही, जितना भी गलत हो जाए आपको नीचे सही लिखना है, झूठ नहीं लिखना है। ओके ओके, मैं अभी बताया ना, झूठ नहीं लिखना है। और एक बार और मैं आपको टारगेट देता हूँ इस वीडियो पर, जो मैं लाइक का टारगेट देता हूँ आपको, ओनली आपको 5K, 5000 लाइक इस पे कंप्लीट करने हैं, तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, ठीक है। मैं वादा किया था, मैं वीडियो बहुत रेयरली में बहुत कम बनाता हूँ, अगर आप फॉलो करते हो मतलब लाइक कंप्लीट करते हो तभी मैं बनाता हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर पसंद आती है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, और इसी तरीके से वीडियो मैं लाता रहूंगा क्योंकि इस तरह का वीडियो कोई लाता नहीं यूट्यूब में। मैं देखता हूँ हर हर वक्त, मैं देखता हूँ, अपडेट रहता हूँ यूट्यूब में कि इस तरह का वीडियो कोई लाए, तो कोई नहीं लाता है। तो आप अगर सपोर्ट करते हैं तो लाइक कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? ये चारों ऑप्शन में से सबसे अच्छा कौन सा प्रकार माना जाता है सरकार का? ऑप्शन देखो, राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट में दीजिए, मैं आपको वक्त देता हूँ थोड़ा इसमें, ठीक है। कोशिश करें मेरा सवाल जो है सही हो जाए, गलत नहीं, कभी भी गलत मत सोचना कि सर नहीं बन रहा मेरे से। ओके, तो देखो सरकार का जो सबसे अच्छा जो आ, आ, प्रकार जो है ये है हमारा लोकतंत्र, ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है, स्रोत माना जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल, कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी, द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। तो देखो, कंबोडिया की राजधानी होगा हमारा नोम पेन, नोम पेन।
तो अच्छा, ये वियतनाम की राजधानी पता है आपको क्या होता है? वियतनाम की राजधानी होता है हनोई, और थाईलैंड की राजधानी होता है बैंकॉक, और कंबोडिया की राजधानी होता है नोमपेन। तो आपको याद रखना है, कुछ ऐसे देश है जो मतलब नाम सुने ही नहीं है, लेकिन याद तो रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। 100 कुछ देश है, तो आपको पूरी तरीके से याद रखना पड़ेगा। आप कम से कम 50 याद करो, और 50 में से आपको मतलब ऐसे ऐसे देश का नाम याद करना है जो हाईलाइटेड हो, जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी, जर्मनी का बर्लिन। आपको मतलब जो फेमस कंट्री है उसको याद करना है। ओके, वही सब पूछते हैं ज़्यादा, और जो मतलब फेमस नहीं तो उसको क्यों पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? यानी कि सबसे पहले भारत के वह कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें सबसे पहले जो है पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा 15, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो डियर यहाँ पर देखो ऑप्शन, 1947, 1948, 1949, 1950। तो श्रीलंका हमारा आजाद हुआ था 1948 यानी कि 1948, और इससे मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको होमवर्क देना है, और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? आपको कौन सा होमवर्क दूँ आपको? सब तो याद होगा, भारत तो हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, पाकिस्तान को याद होगा। मैं आपको होमवर्क आगे दूंगा, ठीक है? इससे कोई भी होमवर्क नहीं बन रहा, ओके, ध्यान से रखना। होमवर्क दूंगा दूंगा, लेकिन आगे दूंगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर सवाल कहता है, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? इन चारों ऑप्शन में से राजनीतिक दल, संविधान, संविधान को, न्यायपालिका को, या प्रेस को, इनमें से लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का हमारा ए ए ऑप्शन राइट होगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। डियर इसका ए ऑप्शन राइट होगा, उम्मीद रखिएगा कि मेरा पूरा क्वेश्चन सही जाए। अगला क्वेश्चन कहता है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो वो कहाँ है? भागलपुर में है, या मुंगेर में है, या बांका में है, या मुजफ्फरपुर में है? बहुत विविया एमसीक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये है भागलपुर में। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। मैं फिर से बोलूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख रहे हो ना, आपको मैं लाइक करने बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रही तो, ठीक है? लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका मेरा मेहनत का फल है, ठीक है? तो आपको पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर सवाल कहते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी कि वन बोले तो वृक्ष, तो बिहार में कितना प्रतिशत ऐसा है जो भौगोलिक क्षेत्र से वृक्ष का फैलाव है, या वन वन है उसी का क्षेत्रफल बताना है, जहां जहां वन है, जहां जहां पेड़ है। तो बिहार में मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र से वन का फैलाव है, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको बारीकी से देखना। बहुत सारे बंदे 15% मारते हैं इसका, तो गाइड वगैरह में तो गलत बताता है, अब बीवीडी में देखना बहुत गलत बताएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर सवाल, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण आपको बता रहे हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, जल की अधिकता, यानी कि जल जल जब मतलब अधिक होगा तो बाढ़ आएगी, जाहिर सी बात है, सही बात है। अब बी ऑप्शन देखो, नदी तल पर मलबों का निरपेक्षण, मतलब नदी तल में जो गंदा जो होता है, काद वगैरह, वो बढ़ना, ठीक है? और तीसरा कहता है मिट्टी का क्षय, वही काद से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखो, ये तीनों तीनों हमारा प्रमुख कारण है, ठीक है? नदी में ज्यादा पानी बढ़ेगी तो बाढ़ आएगा, कचरा बढ़ेगा तो पानी ऊपर आएगा तो बाढ़ आएगा। तो ये सभी है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली सॉरी सॉरी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? भूकंप तरंग, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है जी? ऑप्शन देखो, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। फटाक से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पी तरंग। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे जो सॉरी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंप तरंग है, भूकंप तरंग को हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं, इसको गौर से याद रखिएगा, ठीक है?
अब मैं आपको होमवर्क दूं, सबसे पहले आप बताओ कि ये पूरा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो आप बताओ कि मेरा 20 में से कितना सही गया, ठीक है? ये मैं आपके लिए चैलेंज दिया था, मैं चैलेंज वीडियो बहुत सारे ला चुका हूँ, इससे पहले मैं एक वीडियो डाला चैलेंज वाला, इससे पहले मैं वीडियो डाला था, उसको लगभग 1,80,000 बच्चे उसको देखे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई उसमें से अच्छे मतलब इतने बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है 20 में से 20 भी सही किए, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी आप लोग अपना परफॉर्मेंस ऊपर रखो, नीचे मत रखो, ठीक है? कॉन्फिडेंस हमेशा लाओ, कभी मत सोचो कि मैं मतलब सही नहीं कर पाऊंगा, डेली रिवीजन करो क्वेश्चन को, तभी आपको याद रहेगी, ठीक है? तो आपको जितना भी सही हो नीचे कमेंट करो, और जो 15 से नीचे किए हो ना वो भी नीचे कमेंट करना, ठीक है? ओके, तो फटाक से बताओ, और जो लाइक नहीं किया फटाक से लाइक करो, और आपको मैं होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देखो, ये होमवर्क नीचे कमेंट में आपका आना चाहिए, ओके? होमवर्क का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो रेडी है आप लोग? तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, मैं बुक के बीच से दूंगा होमवर्क, ठीक है? मैं मतलब होमवर्क को खोज के नहीं रखा था यार, सॉरी, किधर गया? मिल गया। चलो मैं आपको एक होमवर्क बहुत इजी से दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ दो होमवर्क दूंगा, सबसे पहला रंपा विद्रोह कब हुआ था, इसको गौर से देखना, ठीक है? आपको डेट बताना है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, क्लियर है? और दूसरा क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? भारत कब आया था, बना नहीं, बनेगा तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, भारत कब आया था, ओके? तो देखो रंपा विद्रोह कब हुआ था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ओके? तो दोनों का आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, चलो बाय, ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल।